ना किसी का सुनी उन्होंने, अपना टेक रिकॉर्डर बजाते ही रहते हैं, रिकॉर्ड करके आते हैं टेप रिकॉर्डर, वही बोलते हैं, ना सवाल सुनना है ना कुछ सुनना है। बोलते रहिए सर, बोलते रहिए अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी के हर आपके हर सेंटेंस पे 500 वोट कम हो जाएंगे समाजवादियों के। अरे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, लेकिन दीपक जी आपके बोलने से बीजेपी के जरूर कम होते होंगे, मैं जान सकता। अरे मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी के जो कांग्रेस का मे बी द बेस्ट पार्टी विद। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है, आपसे अनुरोध करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इस बहस में है दीपक चौरसिया जी, जो कि वो सवाल करेंगे और अनुराग भदौरिया जी जवाब दे सकते हैं, और भी अलग अलग आप उनको भी सुनना। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ताकि हम ऐसे ही नई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देख सकें। चलिए देर न करते हुए मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्या कहेंगे अनुराग भदौरिया, सुन लीजिए ना, किस पे सवाल क्या है? अब देखो सवाल ही नहीं सुनते आपका टेप रिकॉर्डर जो रिकॉर्डेड होता है ना, उसके जो आपको सुनना ही नहीं चाहता, छोड़ दीजिए। धीरेन्द्र चौधरी जी के पास जाऊंगा, धीरेन्द्र चौधरी, धीरेन्द्र भाई, धीरेन्द्र बताइए, अपने प्रिय मित्र अनुराग भदौरिया जी को बताइए। हिम्मत नहीं है पहलवान महिलाओं पे बोलने की, आपकी हिम्मत नहीं है? धीरेन्द्र कुमार जी बोल रहे हैं पहलवान महिलाओं पर। अरे हिम्मत है तो बोलिए, सवाल में आपके साथ खड़ा हूँ, संदेश खाने में हुआ अन्याय हुआ, मैं आपके साथ हूँ, आप बोलिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहने की जरूरत नहीं है, बोलिए आप। अरे कहोगे क्या तुम अनुराग जी के साथ, उस पार्टी में अन्याय हुआ बेटियों के साथ, आपकी आवाज सुनने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या बोलोगे? मैं कह रहा हूँ कि खड़गे साहब को, तो चुप क्यों थे? खड़गे साहब के बयान को आप उठाकर देख लीजिए, जो गठबंधन के इनके सबसे बड़े नेता है। अरे अनुराग भाई आप चुप क्यों नहीं होते हो यार? माला पहनाई गई, क्यों चुप? अनुराग बाबू चुप हो जाओ, बेटी के साथ अन्याय हुआ, क्यों चुप थे आप तो पार्टी के। अरे अनुराग बाबू चुप तो हो जाइए, हल्ला करने से नहीं होगा, मुद्दे को लेकर के पढ़िए। आपने क्यों नहीं बोला, आपने क्यों नहीं बोला? अरे भाई संदेश खाली क्यों नहीं गए? नहीं जम गया था आपके नेता, क्यों नहीं गए? क्या वो संदेश खाली की बेटी है? अगर संदेश खाली की बेटी हिंदुस्तानी है तो उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्य में मैं क्या बोलूं इनको? संदेश खाली, अरे आपके मित्र निपट लीजिए, जगह भी आप, मैं भी क्या बोलूं इनको? हुआ चाहे भारतीय जनता पार्टी किसी को सुने उन्होंने, चाहे किसी को, टेक रिकॉर्डर बजाते ही रहते हो, रिकॉर्ड करके आते हैं टेप रिकॉर्डर, वही बोलते हैं, ना सवाल सुनना है ना कुछ सुनना है, देश की बेटी को न्याय दिलाने की बात है। बोलते रहिए सर, बोलते रहिए अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी के हर आपके हर सेंटेंस पे 500 वोट कम हो जाएंगे समाजवादियों के। अरे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, लेकिन दीपक जी आपके बोलने से बीजेपी के जरूर कम होते होंगे, मैं जान सकता। अरे मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के जो कांग्रेस का मे बी द बेस्ट पार्टी विद, मैं तो चाहता हूँ अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने, खड़े हो जाते हो कामना है मेरे बोलने को। बीजेपी के राज्यों में जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ उसके बारे में बोलना ही नहीं चाहते आप? मैं क्यों बोलूं भाई, जो होगा वो होगा, बेटियों को जवाब तो देने दीजिए आप, पुराने मित्र हैं आपके समाजवादी, वो बेटियां हमारे देश की बेटियां हैं, उनके सम्मान की बात है। अनुराग जी किसी भी बेटी की यहाँ पर सम्मान की अगर बात हो रही है, सारी है, पर संदेश खाली की नहीं है क्या? तो आप बोलिए ना, सबसे पहले शेख शाहजहां को सीबीआई की गिरफ्त में दिया जाए, केवल इतना बोलो, केवल इतना बोलो। चारू प्रज्ञा जी किनसे पूछ रही हैं आप ये बात? बेटी है, एक मिनट एक मिनट, चारू प्रज्ञा जी किनसे पूछ रही हैं आप ये बात? उसके लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती है, ये किसने कहा था? इनकी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी ने, वो आज महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। धन हो आप नहीं बोल पाओगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं सच बोल पाऊंगा, झूठ तो मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा। में जी भटक जाती है, पीए नहीं नहीं हथरस में जी भटक जाती है, अंकिता भंडारी में जी भटक जाती है, कमाल है, मणिपुर का मान ही निकलने को तैयार है। वाह वाह दीपक जी, वाह वाह दीपक जी। अनुराग जी मणिपुर में भी आप और मैं बहुत डिबेट में साथ में बैठे हैं, मणिपुर में बहुत बोले हैं, संदेश खाली में चलो अपने समाजवादी दोस्त धीरेन्द्र कुमार को बोलने दोगे आप? मन है आपका, जिस डिबेट में आते हो आप उस डिबेट में ऐसे ही ऐसी बैटिंग करते हो, और हर बार बैट जैसे ही घुमाते हो हिट विकेट होते हो। अरे हिट विकेट नहीं, छक्का जाती है बॉल, चिंता मत करो, हम तो सिक्स लगाने वाले हैं और देश को जिताने वाले लोग हैं, इंडिया जीतेगा और देखना, उत्तर प्रदेश से बाहर ही ना हो जाए पार्टी इस बार, आपका साथ भी रहेगा लोकसभा में।
आप मेरे साथ हैं, मुझे पता है आप इंडिया के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो बिल्कुल इंडिया के साथ हूं सर। हत्या कर रहे बेरोजगार पीपल लीग हो, मेरा ही काम कर रहे हैं दीपक जी, ये इंडी गठबंधन का प्रवक्ता मेरा ही काम कर रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। कर रहे बेरोजगार पीपल लीग, पेपर लीक से छात्र हो रहे परेशान और उन पे हो रही लाठियों की बौछार। फिर टेप रिकॉर्डर मैच ज्यादा भरा हुआ है भाई, आप कुछ कर सकते हैं? ऐसे टेप रिकॉर्डर चलाते हैं, इनको लगता है लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। चुनाव में दीपक जी आज आपके शो की टीआरपी इन दो लोगों ने मिलकर नीचे गिरा दी। ले ली मेरे यार, इतना बढ़िया आपने डिबेट की शुरुआत किया था, आज तो रीजू जी भी मेरी तरह चुप बैठे हैं। अनुराग जी तबीयत ठीक तो है, नहीं चारू जी गिरा देंगी टीआरपी कलंकित। अरे अनुराग जी डॉक्टर वॉक्टर भिजवाओ। अरे नहीं दीपक भाई जरा दिखाइए हमारे मित्र को, लगातार बोल रहे हैं निजी हमले के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता आपकी पार्टी में। अच्छा आप धीरेन भाई को बोल दीजिए, धीरेन भाई बोल लीजिए, पुराने समाजवादी है इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं आपको बोलने में। गले लगाया जाता है उनको, अपना परिवार बनाया जाता है, ब्रांड एम्बेसडर है आपके सब, एक से एक बलात्कारी, अभी नया बलात्कारी निकल के उपेंद्र सिंह रावत नया ब्रांड एम्बेसडर बलात्कारी पार्टी का। ठीक है धीरेन कुमार जी। अरे नहीं एक विधायक तो जेल में चले गए रेप के मामले में, जेल में चले गए, सजा हो गई उनको, वो जेल में है और एक ए, ए, एक को टिकट मिली तो भाई इंडी गठबंधन के लोग दीपक जी अंतरराष्ट्रीय खेल रहे हैं। ममता दीदी को कि ममता दीदी शेख शाहजहा को सीबीआई को दे दो, आपकी सारी मानी मैंने। चलिए चलिए अनुराग भाई इतना ही बोल दीजिए, चलते चलते इतना ही बोल दीजिए अनुराग भाई कि ममता दीदी शेख शाहजहा को सीबीआई को दे दो, दोनों मिलके एक बार बोलिए जा रही है, बोल दीजिए इतना। मैं चलते चलते ये बोल रहा हूँ कि देश की बेटी चाहे पश्चिम बंगाल की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे किसी, ये नहीं बोलेंगे नहीं बोल पाए, उसके साथ न्याय होना चाहिए और दोनों को एक आंख और सबको दोनों एक आंख से नहीं आंखों से हमें न्याय देना चाहिए। महिला दिवस पर महिलाओं के लिए मुझे लगा जो 8 है महिला दिवस 8 को माफ कीजिएगा, लेकिन महिला दिवस में अनुराग भदौरिया को ही बुलाऊंगा बहस के लिए। परसों है एक सेकंड दीपक जी मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। हां तो रिजु दत्ता जी कंक्लूडिंग कमेंट आपका, सीबीआई को दे दीजिए ना रिजु दत्ता जी, डर काहे का है अभी तक नहीं दिया सीबीआई को, स्क्रीन पर भी दिखा लोगों को, देश के लोग आप लोगों को देख रहे हैं। सब पूछना चाहता हूं, अगर मैं नेशनल टीवी पे ये बोल दूं कि हम शाहजहां को सीबीआई को सौंप देंगे, क्या चारू जी भी इसी शो पे दर्शकों को कह पाएंगे कि हम ब्रिजभूषण को इस बार टिकट नहीं देंगे? चलिए बोलिए, आप बोलिए, मैं वादा करता हूं मैं भी कहूंगा, बोलिए। चलिए चारू दत्ता जी बोल दीजिए, टिकट नहीं देंगे, बोलिए। ठीक है, देखो मैं अपना ओपिनियन आपको दे देती हूँ। मैं नहीं मानती कि महिलाओं की इज्जत प्रदेश देख के कम और ज्यादा होती है, नहीं देना चाहिए भाई टिकट ऐसी जगहों पर जहां से इस तरीके की आपत्ति और बातें शुरू होती है। मेरे में है हिम्मत बोलने की, बोल दिया आप मैंने, अब दे दो शेख रिजु दत्ता जी, अब सीबीआई को दे दीजिए, हजारों हजारों आप भी बोल दीजिए अनुराग भदौरिया जी सीबीआई को दे दीजिए। मेरी किसी से दोस्ती नहीं है, गलत और सही को प्रोटेक्ट करने का मुझे फर्क मालूम है। नहीं बोलेंगे अनुराग भदौरिया, डर गया अनुराग भदौरिया। मैं नेशनल टीवी पे ये कहता हूँ आज से चारू जी आपके लिए मेरा सामना मुझे बोलने के बाद वो सच में देखे, मैं चारू प्रज्ञा जी को मिले 9 साल से जानता हूँ, वो सच को सच कहने से कभी नहीं चकती, इसलिए मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, मैं पिछले 9 सालों से उनको जानता हूँ। लेकिन अनुराग भदौरिया जी आप भी तो बोल दीजिए कि शेख शाहजहां को सीबीआई को दे दे, जो बेटियों के एक घंटे लेट हो गया कोई बात नहीं, आप सौंप दो सीबीआई को, दो अनुराग अभी भी शेख शाहजहां का नाम लेके। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे, अगर बने रहे होंगे तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। दोस्तों बहुत मज़ा आया, हमें उम्मीद है बहुत अच्छी लगी ये वीडियो जो कि दीपक चौरसिया जी सवाल किए और अनुराग भदौरिया जी फिर जवाब दिए, उसके बाद में दूसरे का नंबर आया लेकिन वो अनुराग भदौरिया बीच में बोलते रहे उनको बोलने नहीं दिया। आज तो कमाल हो गया, फनी वीडियो था दोस्तों, फनी मज़ा आ गया, जहाँ रहते हैं तब दबा के वो मतलब बोलते हैं, अपनी बात को बंद नहीं करते। दीपक चौरसिया जी बोले भी कि आप चुप हो जाइए लेकिन चुप नहीं हो। खैर चलिए ऐसा होता रहता है, ये बहस है दोस्तों, आपको वीडियो में मज़ा आया होगा हमें उम्मीद है। दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, वीडियो पसंद आया हो तो।
ऐसा ही नई नई वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।